नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मथुरा, वृंदावन और बरसाना के बारे में कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन देंगे। मथुरा, वृंदावन और बरसाना के हमारे टूर गाइड वीडियो में आपका स्वागत है। ये तीन शहर उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से कुछ माने जाते हैं। इस वीडियो में आपको सारी बातों को विस्तार में बताऊंगी, जैसे कि कैसे जाना है, कौन सी धर्मशाला में आप रुक सकते हैं, कौन कौन से मंदिर के दर्शन कर सकते हो, मंदिर के खुलने के और बंद होने के टाइमिंग और भी बहुत कुछ, ताकि अगर आप कभी भी घूमने जाना चाहे तो आपको टूर में मजा आए और आप अच्छे से घूम पाए, वो भी कम से कम बजट में। तो हमारी वीडियो अंत तक देखना और इसे लाइक और शेयर जरूर करना। आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा अपने कई मंदिरों और घाटों के लिए जानी जाती है, जिनमें श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और विश्राम घाट शामिल हैं। वृंदावन मथुरा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इस्कॉन वृंदावन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और रंगनाथ मंदिर जैसे कई प्रसिद्ध मंदिरों का घर है। ये शहर अपने खूबसूरत मंदिरों और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। बरसाना वृंदावन से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है, जो राधा रानी मंदिर और लाडली मंदिर जैसे भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित अपने खूबसूरत मंदिरों के लिए जाना जाता है। ये शहर बरसाना धाम का भी घर है, एक बड़ा परिसर जिसमें कई मंदिर और अन्य धार्मिक भवन शामिल है। इस वीडियो के दौरान हम आपको कुछ सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन कराते हुए इन शहरों की सैर कराएंगे। हम आपको हर शहर के बेहतरीन होटलों, धर्मशालाओं और खाने के विकल्पों की जानकारी भी देंगे। तो आइए हमारे साथ मथुरा, वृंदावन और बरसाना की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का अन्वेषण करें। ये टूर हम अहमदाबाद से शुरू करेंगे। अहमदाबाद से मथुरा पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका आपकी पसंद और बजट पर निर्भर करता है। अहमदाबाद से मथुरा पहुंचने का सबसे तेज तरीका दिल्ली के लिए उड़ान लेना है और फिर मथुरा पहुंचने के लिए ट्रेन या बस लेना है। मथुरा से आप वृंदावन और बरसाना पहुंचने के लिए लोकल ट्रेन या बस ले सकते हैं। एक अन्य विकल्प अहमदाबाद से मथुरा के लिए ट्रेन लेना है। आश्रम एक्सप्रेस और सारनाथ एक्सप्रेस सहित अहमदाबाद और मथुरा के बीच कई ट्रेनें चलती हैं। आपके द्वारा चुनी गई ट्रेन के आधार पर यात्रा में लगभग 12 से 15 घंटे लगते हैं। मथुरा से आप वृंदावन और बरसाना पहुंचने के लिए लोकल ट्रेन या बस ले सकते हैं। आप अहमदाबाद से मथुरा के लिए बस भी ले सकते हैं। बस और मार्ग के आधार पर यात्रा में लगभग 20 से 22 घंटे लगते हैं। मथुरा से आप वृंदावन और बरसाना पहुंचने के लिए स्थानीय बस या ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। पहले दिन मथुरा पहुंचने के बाद एक होटल में चेक इन करें। यहां पर मैंने होटल के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। आप उसमें से कोई एक होटल का चुनाव आपके हिसाब से कर सकते हो या फिर आप कोई धर्मशाला में भी रुक सकते हो। होटल श्री कृष्ण पैलेस, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के नजदीक स्थित एक बजट अनुकूल विकल्प है। कीमतें लगभग 800 प्रति रात से शुरू होती हैं। होटल श्री कृष्ण धाम, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के नजदीक स्थित एक और बजट अनुकूल विकल्प है। कीमतें लगभग 600 प्रति रात से शुरू होती हैं। द गेटवे होटल फतेहाबाद, यह विश्राम घाट के करीब स्थित एक मिड रेंज विकल्प है। कीमतें लगभग 3500 प्रति रात से शुरू होती हैं। अब आप होटल में फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आप श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करें, जिसे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है। मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे मंदिर शामिल हैं। उसके बाद आप द्वारिकाधीश मंदिर जाएं, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर मथुरा में सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है और हर साल हजारों भक्तों द्वारा दौरा किया जाता है। यह मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है।
उसके बाद आप विश्राम घाट पर जाएं, जो मथुरा के सबसे महत्वपूर्ण घाटों में से एक है। यह वह स्थान है जहां कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने राक्षस राजा कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। घाट एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और पवित्र यमुना नदी में डुबकी लगाने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। विश्राम घाट अपनी नाव की सवारी के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी लागत लगभग 50 प्रति व्यक्ति है, क्योंकि यह अन्य घाटों के केंद्र में है। सवारी के दौरान आप यमुना नदी के पूरे खंड को देख सकते हैं। घाट पर विभिन्न प्रकार की नावें अलग अलग कीमतों पर उपलब्ध हैं। सभी का सबसे सुंदर पहलू शाम की प्रार्थना और आरती है, जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। हर शाम एक आरती आयोजित की जाती है। इसके अलावा हजारों तेल के दीपक नदी में तैरते हैं, जो एक सुंदर दृश्य है। गर्मियों में आरती का समय सुबह 7 बजे से 7:15 बजे तक और सर्दियों में सुबह 7:45 बजे से 7 बजे तक होता है। गर्मियों और सर्दियों दोनों में शाम की आरती का समय शाम 7 बजे है। आप अपनी नाव की सवारी के दौरान कंस किला देखने का भी अनुभव कर सकते हैं। बाद में आप अपनी होटल पर जाकर आराम करें। दूसरे दिन सुबह वृंदावन के लिए एक ड्राइव लें, जो मथुरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। वृंदावन पहुंचने के बाद एक होटल में चेक इन करें। यहां पर मैंने होटल के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं, आप उसमें से कोई एक होटल का चुनाव आपके हिसाब से कर सकते हो। होटल कृष्णा यात्रा इस्कॉन वृंदावन मंदिर के नजदीक स्थित, यह एक बजट अनुकूल विकल्प है। कीमतें लगभग 1000 प्रति रात से शुरू होती हैं। होटल श्री कृष्ण इस्कॉन वृंदावन मंदिर के नजदीक स्थित, यह एक और बजट अनुकूल विकल्प है। कीमतें लगभग 800 प्रति रात से शुरू होती हैं। राधा ब्रिज वसुंधरा, ये बांके बिहारी मंदिर के करीब स्थित एक मध्य श्रेणी का विकल्प है। कीमतें लगभग 2500 प्रति रात से शुरू होती हैं। होटल में अपना सामान रखने के बाद इस्कॉन वृंदावन मंदिर जाएं, जो दुनिया के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है और अपनी सुंदर वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। उसके बाद आप बांके बिहारी मंदिर पर जाएं, जो वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और भगवान कृष्ण को समर्पित है। मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है और यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। उसके बाद आप रंगनाथ मंदिर जाएं, जो एक प्रसिद्ध वैष्णव मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। सब मंदिर के दर्शन के बाद अपनी होटल में जाकर रेस्ट कीजिए। अपनी यात्रा के तीसरे दिन बरसाना तक ड्राइव करें, जो वृंदावन से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने के बाद आप होटल में चेक इन करें। यहां पर मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि श्री राधा रानी मंदिर गेस्ट हाउस, ये राधा रानी मंदिर के पास स्थित एक बजट अनुकूल विकल्प है। कीमतें लगभग 600 प्रति रात से शुरू होती हैं। श्री कृष्ण धाम राधा रानी मंदिर के पास स्थित, यह एक और बजट अनुकूल विकल्प है। कीमतें लगभग 800 प्रति रात से शुरू होती हैं। राधा कृष्ण धाम, ये बरसाना धाम के करीब स्थित एक मध्य श्रेणी का विकल्प है। कीमतें लगभग 2500 प्रति रात से शुरू होती हैं। अब आप होटल में फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आप राधा रानी मंदिर जाएं, जो बरसाना के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और भगवान कृष्ण की सखी राधा को समर्पित है। मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है और यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बाद में आप लाडली मंदिर जाएं, जो राधा को समर्पित है और बरसाना में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। उसके बाद आप बरसाना धाम की यात्रा करें, जो एक बड़ा परिसर है जिसमें कई मंदिर और अन्य धार्मिक भवन शामिल हैं। परिसर राधा और भगवान कृष्ण को समर्पित है। अब आगे बात करें कि आप अपनी इस यात्रा के दौरान क्या क्या खा सकते हो। मथुरा, वृंदावन और बरसाना अपने स्वादिष्ट और पारंपरिक भोजन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ कुछ लोकप्रिय भोजन विकल्प दिए गए हैं, जिन्हें आप अपनी यात्रा के दौरान आजमा सकते हैं।
जैसे कि मथुरा के डबकी वाले आलू, दही भल्ला, पापड़ी चाट, आलू चाट, पेड़ा, मलाई लड्डू, रस मलाई, रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा, वृंदावन और बरसाना के इस दौरे पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने इन पवित्र स्थानों की यात्रा का उतना ही आनंद लिया होगा जितना मैंने लिया है। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं या आप इन शहरों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया बेझिझक आप मुझे कमेंट लिखकर भी बता सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जरूर से लाइक करेंगे। और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टूर गाइड वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।